नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 14 जुलाई आपका स्वागत है और आज सुबह ही मैं वापस आया अपने मिनी राजस्थान टूर से, जहां मैं जयपुर जोधपुर वापस गया था। जयपुर में आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा गीतांजलि वाला। मैं मानता हूं कि वो कैमरा वर्क अच्छा नहीं रहा, बड़ी टाइट सी रोड थी, ऊबर खाबर रोड थी और जो देव कॉलेज है वो जयपुर से बहुत दूर था, पर मुझे जयपुर में पता चल गया था कि उसको भी परमिशन नहीं मिली है। जोधपुर ज़रूर था मेरे लिए जानना, क्योंकि व्यास को ऑफिशियली परमिशन मिल गई थी, कोई डाउट नहीं था। और सुधा कोटा को भी मेरे को सुनने में आया कि मिल गई है और सुरेंद्र गंगानगर का भी क्लियर होना है। तो टोटल 6 कॉलेज थे राजस्थान में जिन्होंने परमिशंस मांगी हैं। गीतांजलि तो पता नहीं क्यों मांगी, जैसा मैंने वीडियो में बोला कि वो तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है और देव भी तैयार नहीं है। सुधा बहुत पुराना हॉस्पिटल है और तो मैं जोधपुर गया, लेकिन वहाँ जाते ही मेरा माइक ख़राब हो गया। मैंने नया माइक, दिल्ली में तो मेरे पास स्पेयर पड़ा था, मैं स्पेयर ले जाना भूल गया था। तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम था कि बिना माइक के मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता था, बट फिर भी ब्रॉडली क्विकली। तो आप सुन रहे होंगे, फिलहाल व्यास को परमिशन मिली है, GIIT को नहीं मिली है, लेकिन GIIT बिल्कुल तैयार है। उनसे पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मेरे ख्याल से अगले 5-6 दिन में उनको परमिशन मिल जाएगी। तो पहली बात तो आप ये ध्यान मान के रखिए कि जोधपुर में दोनों कॉलेज आ रहे हैं, दोनों कॉलेज का इन्फ्रा बहुत शानदार बनाया गया है। तो पहले लोकेशन मतलब दोनों कॉलेज एक्चुअली एक तरफ पड़ते हैं, जो जोधपुर से एक शहर पाली है तो हम पाली रोड बोलते हैं। रफली स्पीकिंग जोधपुर स्टेशन से व्यास कुछ तो 15 किलोमीटर दूर था और GIIT उसके भी आगे 7 किलोमीटर दूर था। डेफिनेटली मतलब हम जोधपुर से बिल्कुल बाहर निकल गए थे। गया में एम्स भी था, एम्स जोधपुर, वो बेसिकली बिल्कुल जोधपुर शहर के अंदर है। और उसके बाद फिर ये जैसा मैंने कहा कि 15 किलोमीटर दूर व्यास और उसके सेम रोड पर और आगे जाके 5 किलोमीटर आगे जाके GIIT। व्यास भी हाईवे पे नहीं था, वो अंदर जाके फिर हमें 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा था और GIIT तो बिल्कुल हाईवे पे था, मतलब 200-300 मीटर अंदर जाना पड़ा। शानदार इन्फ्रा बनाया। तो अगर आपने मेरे जौलीग्रांड के वीडियोज़ देखे हैं, गुरु राम रह, मतलब पता चलता है कैंपस एंड जस्ट मेडिकल कॉलेज कैंपस। मतलब व्यास ने तो ऐसा करा है कि व्यास का डेंटल कॉलेज उसी एरिया में चलता है, बट उसकी बिल्डिंग को ना लेके बिल्कुल रोड के इस तरफ सेपरेट बिल्डिंग बनाई गई है। वहाँ पर DPS की भी ब्रांच है स्कूल की, और जैसे वर्ल्ड बोलते हैं शानदार, मतलब पत्थर का काम, दोनों का ही इन्फ्रा मुझे लाल पत्थर सा ध्यान आ रहा है। और GIIT का भी सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है, बट उस कैंपस में नहीं, उसके बगल में लैंड लेके, मतलब शानदार कॉलेज बनाए गए हैं। अस्पताल दोनों के ऑलरेडी रनिंग हो चुके हैं, GIIT का तो पुराना रनिंग है। बाई चांस की बात है, मैं दोनों कॉलेज में ही सुबह के टाइम में गया था, मतलब व्यास में पहुँच गया था 11 बजे, वहाँ बहुत समय लग गया बात करने में, क्योंकि तकरीबन मैं सबसे मिला, प्रिंसिपल साहब से अग्रवाल जी नियुक्त किए गए हैं, जो उनकी एडमिशन मैडम देख रही हैं, नेहा मैडम, बहुत कम लोग ऐसे आपको बताएंगे। और तो उसे 1.5-2 घंटे लग गए और फिर मैं वहाँ से 1 बजे उठा तो फिर मैं 1.5 बजे पहुँच गया था GIIT। वहाँ पर भी 1.5 घंटा लगा और फिर ही मैंने लंच करा और फिर दूसरे काम करे। सो दोनों को परमिशन मिलने वाली है, इन्फ्रा दोनों का बहुत अच्छा है। पेशेंट फ्लो अभी मुझे पर्सनली उतना नज़र नहीं आया जितना नज़र हमको जयपुर के कॉलेजेस में, उदयपुर के कॉलेजेस में आता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मुझे GNU में भी थोड़ा कम नज़र आता है, विज़ जो बाकी कॉलेजेस हैं, खासकर अमेरिकन अनंता गीतांजलि या महात्मा गांधी की तो बात ही अलग है। फीस व्यास ने रखी है 19 लाख स्टेट कोटा, 26 लाख मैनेजमेंट कोटा। GIIT रख रहा है 18 लाख स्टेट कोटा, 24 लाख मैनेजमेंट कोटा। व्यास को 100 सीटें टोटल मिली हैं तो 85-15, GIIT को 150 मिलेंगी तो फिर से वही रेशो बनेगा 127 एंड 23। दोनों फ़िलहाल किसी तरह की कोई नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। तो कोई आपको अगर फ़ोन आ रहा है कि हमारी बात हो गई, हम आपको जैसे कि व्यास का पैकेज 19 लाख के हिसाब से भी 19 × 6 = 95 का बनेगा, हॉस्टल दोनों के तकरीबन 2.5 लाख के हैं, 95 का बनेगा। GIIT का चूँकि 18 फीस है तो 18 × 72 और उसका 91 के आसपास बन रहा है, व्यास 96 है। तो आपको शायद कॉल आ रहे हैं कि 10 लाख कम में करवा देंगे, कॉलेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। बड़ी फ़नी चीज़ थी, जैसा मैंने कहा व्यास में तो मैं बहुत सीनियर तक पहुँचा, क्योंकि मैंने ऑफ़र सेम ऑफ़र मैंने की कि सर अगर आप सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं तो आई कैन बाय फ्रॉम यू। कहते हैं उनको तो समझ ही नहीं, एक्चुअली दोनों कॉलेज इतने सीधे हैं और उनकी काउंसलर को बात समझ ही नहीं आ रही थी। कहते हैं सर तो सीट तो काउंसलिंग से अपना मिलेगी। तो मैंने कहा जी अगर आप डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं जी हमको डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि मतलब, तो मैंने बहुत हम्बल तरीके से दोनों को समझाया कि शायद आपकी सीट भरेंगी नहीं इस साल। नहीं सर हमें तो बहुत इंक्वायरी आ रही है, क्योंकि दोनों को एक एडवांटेज है कि जिस एरिया में है जोधपुर उसमें पहले मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं,
तो अभी तक हम जानते हैं सारे ही मेडिकल कॉलेज जयपुर और उदयपुर में थे, फिर वो तांतिया गंगानगर आया, तो जोधपुर भी ठीक ठाक 250 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और वो जो पूरा बेल्ट है जिसमें जोधपुर एक मेजर सिटी हो गया और उसके फिर पाली एक छोटा शहर हो गया, या जो बिजली वो जो राजस्थान है उनके पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और कई पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चा सामने रहे, जोधपुर इज़ ए प्रॉस्पेरस सिटी, और ऐसा दोनों को फिलहाल विश्वास है। फिर भी मैंने ज्ञान दे दिया उन्हें, मैं कहा सर लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि सेकेंड राउंड के ख़त्म होने तक राजस्थान में खाली 20-25% एडमिशन हुए थे, तो राउंड वन देख लीजिए आप, राउंड टू भी देख लीजिएगा। तो मैंने भाई कहा कि मैं कहा राउंड टू के बाद एमसीसी को राउंड थ्री देख के तुरंत एक्शन लीजिएगा, भगवान भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि दोनों में से एक के कोऑर्डिनेटर ने यही कहा कि सर देखो सीट तो देखते हैं अभी क्या होता है, भगवान भरोसे हैं। मैं कहा ठीक है सर, भगवान भरोसे रहेंगे तो ये दिक्कत ना हो जाए और पता चले कि अभी 150 में से 30 सीटें खाली रह जाए। फिलहाल तो देखिए बच्चे बहुत डेस्परेट है सीट लेने के लिए, बट जो हमारा स्टाइल होता है जस्ट टू इवन एक्सप्लेन टू देम एंड फर्स्ट ईयर है, तो मैंने कहा देखिए अगर आप, और स्पेशली मुझे तो ये पूछना था कि क्या आपने किसी और को ऑफ़र कर चुके हो। देखिए यही मेरा स्टाइल है, तो आप में से कई लोग जो मुझसे सुनते हैं फिर किसी और एजेंट से बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बताइए आपको कि मैं इंदौर गया था, तो मुझे किसी ने बार बार ना, आपको भी फ़ोन आ रहे होंगे कि इंडेक्स में मेरे पास 2 सीटें हैं, तो मैं इंडेक्स के सिटी ऑफिस गया जो इंदौर में है एंड मैंने स्टेट उनसे बात करी, तो कहते हैं सर वैसे तो हमारा रेट 1.25 था जो हमने सारे एमपी वालों को ऑफ़र कर रखा है, बट फिलहाल तो मैंने कहा जी कोई तो आपको आपकी सीट 1.10 में दे रहा है। तो मैंने कहा सर अगर क्या वो बंदा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा क्या वो बंदा या 3-4 नाम लिए, मैंने कहा इनमें से जेन्युइन है तो उनके पास चले जाएँ 1.10 में। कहता ऐसा कुछ नहीं है जी, हमने किसी को इंडेक्स में तो खासकर हमने किसी को ऐसे अपना मास्टर एजेंट नहीं बनाया जिसको हमने 10-15 लाख के डिस्काउंट में सीटें दे दी हैं। तो देखिए जब भी आप इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं, या तो आप उस कंसल्टेंट को पे पूरा भरोसा कीजिए और वो भरोसे के लायक हो, या फिर वाई डोंट यू गो टू कॉलेज। आप 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ की बातें कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर कॉलेज जाइए ना, तो कॉलेज जाके आपको पता चल जाए कॉलेज वाले, और कॉलेज में भी जाइए कॉलेज के कोऑर्डिनेटर से मिलना है, ठीक है ना। मुझे व्यास वाले ने बताया कि सर यहाँ पर तो हमने बंदे को पकड़ा है, तो एजेंट था, एजेंट ने अपना एक बंदा भेज दिया कॉलेज के अंदर, और वो स्टूडेंट और पेरेंट से कॉलेज का बंदा बन के मिल रहा था, वो सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, हमने पकड़ा तो पता चला, कहते हम खुद बड़े परेशान हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि उनका वो था इंजीनियरिंग कॉलेज था GIT का, तो उनको ना इनको भी आदत ही नहीं है, और दोनों के गेट बिल्कुल ओपन थे, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, तो कोई भी 2 जने घुस सकते हैं अंदर। एजेंट अपने बंदे को 1 घंटा पहले भेज देगा और वो आपसे मिलेगा कॉलेज का बंदा बन के, और नकली लेटर हेड पर साइन भी कर देगा, सोचिए आप। और दोनों में से कॉलेज ने ये भी कहा कि हमारे स्टाफ भी इन्वॉल्व था, तो मैंने भी हंसते बोला सर आप 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, साल के 2 लाख का पैकेज देते हो, अगर किसी शातिर एजेंट ने आपके बंदे को 10 लाख ऑफर कर दिए तो उसकी तो 5 लाख की 5 साल की सैलरी हो गई ना, तो फिर ईमान क्यों नहीं बेचेगा। मैं कह तनख्वाहें बढ़ाए लोगों की जब आप इतना कमाते हो, तो हंसी में बात चल रही थी। कहते गुप्ता जी बात तो आपकी ठीक है, पर क्या करें देखते हैं। पर कहते पकड़ा गया हमें, तो आप आए हैं शायद सबको ये बताइए कि नाम है, अगर आप व्यास जा रहे हैं तो नेहा मैडम बैठी है, नेहा अरोड़ा, GIT जाएंगे तो डॉक्टर अभिषेक हैं, वही हैं जो कॉलेज की तरफ से अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर हैं, तो इन दोनों में कोई सीट लेनी है तो उन दोनों से ज़रूर मिलिए। और फिलहाल वो दोनों कोई ऑफ़र नहीं कर रहा, और इसी तरह से हर कॉलेज में कोऑर्डिनेटर होता है, जनरली इतनी बड़ी डील्स में वो कॉलेज का ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व रहता है, तो ज़रूर मतलब सिर्फ एजेंट से भरोसे मत बैठे, जिस कोऑर्डिनेटर से आप मिल रहे हैं अक्सर उसका नाम कॉलेज की वेबसाइट पे होता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने अभी कहा व्यास और GIT में कोई ऑफ़र नहीं चल रही है डिस्काउंट की, और नॉर्मल सीट तो आप ले ही सकते हैं। सुधा का मुझे अभी कन्फर्म करना है, और सुरेंद्र में ये कन्फर्म करना है कि उनको परमिशन मिली कि नहीं मिली। तो ये छोटी सी समरी आपके लिए मेरे जोधपुर ट्रिप की, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू प्लान योर स्ट्रेटजीज एंड प्लान अहेड। और जो राजस्थान डोमिसाइल की हैं उनको तो सीट की दिक्कत है नहीं, दोनों की स्टेट कोटा सीट आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स में मिली जाती है, और बट फिलहाल जो आपको उम्मीद थी डिस्काउंट की, वो फिलहाल तो राजस्थान का कोई भी कॉलेज ऑफर नहीं कर रहा है अदर देन PIMS, और वो भी देखिए अपनी 35 लाख वाली सीट पर ऑफर कर रहा है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और 14 जुलाई अब चल रही है, आई थिंक 1-2 दिन में MCC का ब्रोशर रिलीज हो जाना चाहिए, और 18 तारीख को तो फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, होपफुली वो हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा कि कब से एग्जैक्ट स्टार्ट हो रही है।
बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9633-623-20। बाय बाय।